अजय टेक्नीशियंस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज मैं आपके सामने एक नया चीज़ लेके आया हूं। अगर आप कोई पीसी में कोई काम कर रहे हैं, उस समय आपका अगर कीबोर्ड या माउस काम नहीं करता है, उसमें बहुत समस्या या प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अगर आप पहले से एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने पीसी और अपने मोबाइल में अगर इंस्टॉल करके रखेंगे, तो बाय चांस जिस समय आपका कीबोर्ड या माउस काम नहीं करता है, तो उस समय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय चांस आप उसे ब्यूटीफुल या सुंदर तरीके से अगर लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उस समय भी आप अपने माउस से एक रिमोट की तरह अपने पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं ये सॉफ्टवेयर क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप में पीसी रिमोट सर्वर बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल किया हुआ है पहले से। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल में जाके पीसी रिमोट सर्वर बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसे आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेंगे। और आप अगर मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस मोबाइल में अगर आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है पीसी रिमोट बोल के सॉफ्टवेयर है। पीसी रिमोट आप प्ले स्टोर में डायरेक्ट जाके आप पीसी रिमोट सॉफ्टवेयर को टाइप करने पर वो सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा और आप उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल में आप मेरे मोबाइल में देख सकते हैं कि पीसी रिमोट बोल के एक सॉफ्टवेयर है जो मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है। ये प्ले स्टोर में बड़ी आसानी से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से इसका इंस्टॉल किया था, इसलिए आपका मेरे पास दो कंप्यूटर है, इसलिए पहला कंप्यूटर में स्ट्रीम बोल के है, दूसरा में सर्वर नाम दिया है। तो मैं सर्वर में क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल दिया है, फ्यूचर ऐप दिया है, मीडिया दिया है। उसके नीचे में आप यहाँ पर माउस है, कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है, पावर कंट्रोल है और वॉल्यूम है। तो मैं माउस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि माउस में क्लिक करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अब यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो माउस आपको इधर उधर जाते हुए दिख रहा है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो माउस का कर्सर इधर उधर हो रहा है। देखिए इधर उधर हो रहा है। अगर मैं किसी पर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि वो क्लिक करने पर वो खुल गया, और मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी चला सकता हूँ। ठीक है, आप देखें कि मैं उस पर क्लिक किया तो वो साउंड प्ले हो गया। ठीक है, मैं उसको कट करना है, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कर्सर पर, और ये ऐप बंद हो गया। ठीक उसी तरह मैं अगर बैक किया, यहाँ पर बैक करने के बाद आपको यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल की दिया गया है, अदर्स की दिया गया है। तो मैं जनरल की में आपका ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट सब आपके जो कीबोर्ड में जो फंक्शन है वो दिया गया है, और अदर्स में अगर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर आपका बहुत सारे ऐप दिखते हैं, कीपैड का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, मैं इसको बैक करता हूँ, और यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिया गया है, डेस्कटॉप। अगर आप डेस्कटॉप में क्लिक करते हैं, तो आपका देख सकते हैं कि आपका मोबाइल में आपका सारा डेस्कटॉप में जो है सब यहाँ पर आ गया है। आप अपने मोबाइल से डेस्कटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके अगर
माई पीसी में क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके कंप्यूटर में जो जो हो रहा है वो आपके मोबाइल में शो कर रहा है। आप यहाँ से आप कोई भी ड्राइव को खोल सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपका ड्राइव खुल जाएगा और इसी से आपका यहाँ पर बैक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, अगर यहाँ पर क्लिक किया तो ये ऐप बंद हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपका डेस्कटॉप आपके मोबाइल में पूरी तरह से शो कर रहा है। आपको यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इससे ही इस्तेमाल से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे उस समय तो आपके मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर पावर कंट्रोल बिल का ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शट डाउन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपका पीसी शट डाउन के मोड में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हैबिलिटी दिया गया है लॉग आउट। अगर आपका पीसी का डेस्कटॉप का अगर लाइट ऑफ करना है तो लॉग आउट कर सकते हैं। अगर मॉनिटर का यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि मॉनिटर ऑन का ऑप्शन है। अगर ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं कि आपका मॉनिटर ऑफ हो गया है बैकग्राउंड में। फिर आपको ऑन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपका ठीक उसके नीचे रीस्टार्ट का बटन दिया गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पीसी रीस्टार्ट हो गया, अपने से ऑन हो जाएगा। स्टैंड बाई अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम कंप्लीट हो गया है और आप अगर आप माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके सहारे आप स्टैंड मोड में कर सकते हैं। स्टैंड मोड का मतलब होता है कि आपका पीसी का डेस्कटॉप का लाइट बंद हो जाएगा और वह स्लीप मोड में चला जाएगा। ये आपका बिजली का बचत भी करता है। यहाँ पर अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपका पीसी अपने आप स्लीप मोड में चला जाएगा। यहाँ पर आपका दिया गया है वॉल्यूम की अगर कोई सॉन्ग या प्ले कर रहे हैं तो इसके सहारे आप यहाँ पर साउंड कम बेसी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके बगल में ठीक मैं बताया था कि इसके बगल में फ्यूचर ऐप्स का है, पावर पॉइंट है, फाइल मैनेजर है। इसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया में है, जो बहुत चीज़ के बारे में दिया गया है। इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर मीडिया बोल के है, इसमें बहुत सारे ऐप दिए गए हैं, इसका इस्तेमाल आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसके अंदर डीपली नहीं जाता हूँ, मैं सिर्फ ठीक बता रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, मैं इसको बैक किया और मैं फिर बैक करके आपको बंद कर दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाया कि आप अपने मोबाइल से कंप्यूटर के स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कैसे अपने मोबाइल पर कंप्यूटर के स्क्रीन को ला सकते हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल बिना कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल के बिना आप कैसे काम कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए कर सकते हैं। बाय चांस आप कोई काम कर रहे हैं उस समय आपका माउस तो दोस्तों अगर आप कोई काम कर रहे हैं उस समय आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका अगर कीबोर्ड या माउस काम नहीं कर रहा है तो उस समय आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अगर आपका कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उस पर क्लिक करके उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़े ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आपको यहाँ पर कीबोर्ड या माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन से ही आप सारे काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताया हूँ कि अगर आपका माउस या कीबोर्ड उस समय काम नहीं करता है, अगर जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल के सहारे आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपका कोई पर्सनल काम हो रहा है और उस समय कीबोर्ड या माउस नहीं चल रहा है तो आप अपने मोबाइल के पीसी रिमोट को ऑन करके आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ये बात है कि अगर कोई आपके सामने अनजान आदमी आया और ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप इस तरह कर रहे हैं तो देख करके भी वो आश्चर्यचकित होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को भी अच्छा इस तरह कर सकते हैं।
कि आप अपने थोड़ी दूर में बैठकर आप अपने पीसी के स्क्रीन को अपने मोबाइल में करके आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लोगों को भी अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है अजय टेक्नीशियन, आप यहां पर देख सकते हैं सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पीसी से कर रहे हैं तो आपके पीसी में सब्सक्राइब बोल के एक ऑप्शन है जो रेड कलर का दिखता है, आप उसमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आप यहां पर अपने मोबाइल में बेल बोल के एक ऑप्शन है, वहां पर आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देख कर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर आप उस पर टाइप करें, तो मैं उसका अगर प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सलूशन करके आपको अगले वीडियो में बताऊंगा या कमेंट बॉक्स में आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन टाइप करके दिखा दूंगा। ओके धन्यवाद प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।